नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है आटे का दिया कैसे आपकी मनोकामना पूरी करता है। आटे का दिया मनोकामना की पूर्ति के लिए ही जलाया जाता है। आटे का दिया किस तरह आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, ये हम आज इस वीडियो में बताएंगे। ये उपाय आपने 5 दिन करना है, सिर्फ एक बार ही करना है, मंगलवार से शनिवार तक। अगर आप मंगलवार से शुरू करेंगे तो शनिवार तक आप ये उपाय पूरा करेंगे। ये उपाय 5 दिन का उपाय है। अब बात करेंगे दिया आपने, आटे का दिया आपने कैसे तैयार करना है। आटे का दिया आपने घर के आटे से नहीं तैयार करना है। आटे का दिया आपने बाजार से फ्रेश आटा लेकर आना है, चाहे आप 2 किलो लेकर आओ, चाहे 4 किलो, चाहे 10 किलो। उसमें से आपने एक कटोरी आटा निकालना है, एक कटोरी आपने काले तिल लेने हैं और 5 काली मिर्च लेनी है। उसका आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप उसके बाद जो आपके पास सूखा एक कटोरी आटा है उसमें से मिला लेना है। उस पाउडर को आपने उसमें से मिला लेना है। अब आपने उस सूखे आटे के 5 हिस्से करने हैं। इससे आपने ऐसे तरीके से करने हैं कि ना तो आटा आपका बचे और ना ही आपका आटा कम रहे। इसी तरह आपने 5 हिस्से करके एक डिब्बे में रख लेना है। प्रतिदिन आपने एक हिस्से का दिया बनाना है। प्रतिदिन आपने एक हिस्से आटे का दिया बनाना है। ये कार्य आपने मंगलवार को करना है। मंगलवार को ये कार्य आप शुरू करेंगे। रोज ही आपने एक दिया बनाना है। नॉर्मल उसमें बाती डालनी है। आप घी का दिया भी जला सकते हैं और तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपने तिल के तेल का दिया जलाना है या घी का तेल जलाना है। उस दीपक को बनाने के बाद आपने एक टाइम फिक्स करना है, किस टाइम पर आपने वो दीपक जलाना है। शाम को जलाना है या फिर सुबह जलाना है। अगर आप सुबह जलाएंगे 6 से 8 तक, अगर आप शाम को जलाएंगे शाम को भी आपने 6 से 8 ही जलाना है। टाइम दोनों समय का आपने एक ही रखना है। 9 और 10 के समय के बीच आपने दीपक नहीं जलाना है। अगर आपने सुबह का टाइम फिक्स किया है दिया जलाने का, तब तो आप स्नान वगैरह करके ही दिया जलाएंगे। अगर आपने शाम का टाइम फिक्स किया है दिया जलाने का, तो आप उस टाइम स्नान नहीं किया होगा। आप हाथ मुंह धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद आप पूजा करने बैठे, फिर आप मंदिर में दीपक जलाएं और एक माला ओम हनु हनुमंते नमः का जाप करें। मंदिर में दीपक जला के घर के ईस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में आपका मंदिर हो, वहां बैठकर आपने ये कार्य करना है। घर के मंदिर में आपने दीपक जलाना है और एक माला ओम हनु हनुमंत नमः का जाप करना है। ये दीपक आप अपनी इच्छा मन में रख कर ही बनाएं। दीपक आपने मंगलवार को भी बनाया, बुधवार को भी बनाया, वीरवार को भी बनाया, शुक्रवार को भी बनाया, शनिवार को भी। शनिवार को आपके पास अगर आटा थोड़ा सा बचता है तो आप सारा आटा एक ही लास्ट के दिए में ही लगा दें। आप उस आटे को बचा कर ना रखें। अपने इस उपाय के लिए आटा बचा कर नहीं रखना है, सारा आटा 5वें दिए में ही लगा देना है। थोड़ा बहुत बचता है वो भी आपने 5वें दिए में ही लगाना है। ये उपाय 5 दिनों का उपाय है। ये इच्छा पूर्ति उपाय है। ये आपने 5 दिनों को किया है और 5 दिए आपके इकट्ठे हो गए हैं। जब आपके दिए इकट्ठे हो जाएं, तो आप किसी प्लांट में डाल सकते हैं, किसी गमले में डाल सकते हैं, इधर उधर वो दिए ना फेंके। अगर आप इस उपाय को 5 दिन के लिए करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पीरियड में आप इस उपाय को नहीं कर सकते, केवल 5 दिन ही इस उपाय के लिए चाहिए। इतने दिन तो महिलाओं के पास होते ही हैं।
अगर आप मंगलवार से लेकर शनिवार तक JFI ना कर पाए किसी कारणवश, तो आप अमावस्या के 4 दिन पहले इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय का 5वां दिन आपका अमावस्या का दिन होना चाहिए। अमावस्या के दिन आपका JFI पूर्ण होना चाहिए। JFI आप प्रतिमा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। JFI आप करके तो देखो एक बारी। इस उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। इस उपाय को करने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता। आप किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, आप JFI कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।